यूपी से मथुरा में पटरी से उतरी है मालगाड़ी। जी हां, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। उत्तर प्रदेश के मथुरा से मालगाड़ी के 20 डिब्बे जो है पटरी से उतर चुके हैं। ये बड़ी अपडेट। झांसी से सुंदरगढ़ जा रही थी ये मालगाड़ी। तस्वीरें दिखाने का भी प्रयास हम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं दर्जनों ट्रेनों का आवागमन जो है इससे प्रभावित हुआ है। ये बड़ी अपडेट। रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। वृंदावन रोड के पास मालगाड़ी हुई ड्रिल। जी हां, वृंदावन रोड के पास ये मालगाड़ी ड्रिल हुई है। यूपी के मथुरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पटरी से मालगाड़ी उतर गई है। मालगाड़ी के 20 डिब्बे पटरी से उतरे हैं और जो भी आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंच चुके हैं, वहां पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। झांसी से सुंदरगढ़ की तरफ ये मालगाड़ी जा रही थी, दर्जनों ट्रेनों का आवागमन इससे प्रभावित हुआ है। जी हाँ, आप ये बड़ी जानकारी है। रेलवे के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पटरी से मालगाड़ी उतरी है। ये तस्वीरें भी आप यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूपी के मथुरा में पटरी से उतरी है मालगाड़ी, ये बड़ी जानकारी। मालगाड़ी के 20 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। झांसी से सुंदरगढ़ जा रही थी मालगाड़ी, दर्जनों ट्रेनों का आवागमन इससे प्रभावित हुआ है। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से ये प्रभावित और रूट हुए हैं तो इसमें क्या कुछ अपडेट रहता है, इस पर नजर बनी रहेगी। वृंदावन रोड के पास मालगाड़ी रेल हुई है, ये भी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। यूपी के मथुरा से जहां पर पटरी से मालगाड़ी उतरी है और अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर जायजा लेने के लिए। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष वर्मा जुड़े हुए हैं। मनीष वर्मा मौजूदा, क्या कुछ अपडेट है अभी सुबह की इस खबर पे? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा, ये वृंदावन रोड पर एक मालगाड़ी डिरेल हो गई थी जिसमें के 25 से डिब्बे पटरी से उतर गए थे और जिनकी कंपनी टूट गई थी, बैगन एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे। मालगाड़ी में कोयला भरा हुआ था और ये जिसकी वजह से डाउन लाइन और अप लाइन पर भी ढेर कोयले का ढेर लग गया था और जिसके चलते 20 से ज्यादा ट्रेनें बाधित हुई हैं। जी मनीष, जिस तरह से यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अन्य मालगाड़ी भी जो है रूट यहाँ पर प्रभावित हुए हैं, कब तक बहाल हो सकते हैं? आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो लग रहा है वो दोपहर तक संभव हो सकता है कर लिया जाए दुरुस्त, जिस तरह से कार्य किया जा रहा है क्योंकि कोयले के ढेर लगे हुए हैं और करीब 20 जो है वो पलट गई हैं बोगियां, तो उनको दोबारा लाने के लिए टाइम लगेगा थोड़ा इसमें। जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस खबर पर ज्यादा अपडेट आप बनाए रखें कि किस तरह से आगे जो है इस पर बहाली होती है। तो चलिए बड़ी खबर आपको यहाँ पर यूपी से बता रहे थे, मालगाड़ी जो है पटरी से उतरी है, 20 डिब्बे जो है इसके उतरे हैं, ये बड़ी अपडेट।